दुमका में लगातार कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना मरीज जरमुंडी थाना से मिले। जरमुंडी थाना के 28 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं केंद्रीय कारा के जेलर भी कोरोना संक्रमित हो गए। दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि एक दिन में कुल 38 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 38 व्यक्तियों में से 28 लोग जरमुंडी प्रखंड के हैं, वहीं 10 लोग दुमका के हैं। सभी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि दुमका में अब तक 110 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 57 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 53 लोगों का इलाज चल रहा है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने लोगों से अपील की है कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कि कई सारे लोग जरमुंडी में जो सैंपल कलेक्ट हुआ था 24 तारीख को, उनमें से करीब 33 लोगों का पॉजिटिव आने का सूचना मिला है। उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, उन सभी लोग से बात कर रहे हैं, और ये भी बात सामने आ रहा है ब्लॉक प्रशासन के द्वारा, ये बताया जा रहा है कि ये सभी जवान हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। तो आई थिंक ये भी ट्रैवल हिस्ट्री के ही केसेस हैं, लेकिन जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी जिससे भी हम लोग मिल रहे हैं, जिसके साथ हम लोग अपने कार्य कर रहे हैं, ये मान के चलना है कि उनमें भी वो वायरस हो सकता है। भले ही उनमें वो सिम्टम्स नहीं है, वो लक्षण नहीं है, लेकिन वायरस उनके अंदर ज़रूर हो सकता है। इसलिए हर किसी को सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क हमेशा पहन के रहना है। टोटल जिला में आज के दिन में 38 केस हमको संक्रमित मिले हैं। 38 में क्या है सर, कुछ में आपको अलग अलग जगह से हैं, 33 तो आपको एक जगह से चूँकि मिले थे, और इसका अगर हम लोग डिटेल लेंगे तो जेल से यहाँ के सेंट्रल जेल के जेलर साहब भी जो हैं इसमें इससे संक्रमित हैं, और जेल के कर्मचारी हैं, फिर और एक विलेज से भी हैं, गांव से भी हैं। इन लोगों की तो अभी डिटेल हिस्ट्री नहीं ली जा सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।